चंद्रयान 3 इज डेड ऑन द मून, ये मैं नहीं कई सारे न्यूज चैनलों ने बोल रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त में चांद की सतह पर लैंड किया था। और एक बार 4 सितंबर 2023 को इसरो ने चांद की सतह पर अपना लास्ट टेस्ट परफॉर्म किया था, जिस परफॉर्म में उन्होंने विक्रम लैंडर को चांद की सतह से 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाकर फिर से लैंड करवाया था। और इसके बाद इसरो ने प्रज्ञान रोवर को नेक्स्ट लूनर डे यानी कि 22 सितंबर तक स्लीप मोड पर डाल दिया था। बट फिर से जब 22 सितंबर 2023 को यानी कि नेक्स्ट लूनर डे तक जब इसरो ने प्रज्ञान को सिग्नल भेजा था, लेकिन रिएक्टिवेशन सिग्नल भेजने के 2 हफ्ते के बाद भी इसरो को चंद्रयान 3 से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ। इसरो के डायरेक्टर नीलेश देसाई और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी, इन दोनों ने ये क्लियर कर दी थी कि चंद्रयान 3 की रिएक्टिवेशन होने के चांसेस सिर्फ 50-50 ही थे। और इस सिचुएशन में सभी का मन में ये सवाल जरूर आ रहा है कि हम क्या चंद्रयान 3 से जुड़ी सारी उम्मीदें छोड़ दे? क्या रियलिटी में चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ एक फेलर थी? एक सीनियर इसरो ऑफिशियल के मुताबिक आप लोगों को एक स्टेटमेंट दूंगा, इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उन्होंने 21 अगस्त को ये कहा था कि चंद्रयान 3 को रिएक्टिव करने के लिए एक मेजर कंपोनेंट जो चंद्रयान 3 में होना चाहिए था वो उन्हें उसमें लगाया ही नहीं। दरअसल इसरो ने अपने मिशन के लिए जो सोलर पावर्ड बैटरीज यूज की थी वो सिर्फ -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल सकती थी, बट लूनर नाइट के दौरान चांद का टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाती है। इस सिचुएशन में जब विक्रम और प्रज्ञान को स्लीप मोड पे डाला गया था, नेचुरली विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पे टेम्परेचर मेंटेन करना इम्पॉसिबल था। और इतने कम टेम्परेचर में बैटरी का केमिकल रिएक्शन डाउन हो जाता है, और जब बैटरी ही काम नहीं करेगा तब कैसे वो रिएक्टिव होगा? सभी इक्विपमेंट्स को गर्म रखने के लिए इसरो का साइंटिस्टों को ये कहना है कि RTG जो कि रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, इस नाम का एक डिवाइस को लगाना चाहिए था। अगर पहले ही इस डिवाइस को लगाया गया होता तो विक्रम और प्रज्ञान का रिएक्टिव होने का चांसेस 100%। अब सवाल आता है, अगर इसरो के साइंटिस्टों को पहले से ही ये बात पता था कि ये डिवाइस लगाने से चंद्रयान 3 मिशन मेगा सक्सेस हो जाता, तो उन्होंने क्यों नहीं लगाया? क्या वो डिवाइस बहुत ज्यादा हैवी था या कोई बजट का इशू था? देखो, अगर आप भी इस डिवाइस के बारे में पढ़ोगे ना, तब आप इस डिवाइस का सिंप्लिसिटी देख के आप हैरान हो जाओगे और सोचोगे कि आखिर इसरो ने इस डिवाइस को क्यों नहीं लगाया। मैंने भी जब गूगल पे RTG के बारे में पढ़ा तब मुझे भी ऐसा लगा था कि इसरो ने आखिर क्यों इस डिवाइस को चंद्रयान 3 में नहीं लगाया। फिर मैं जब इसका रीजन पढ़ा तब मैं शॉक्ड था। एक पूरे RTG का वेट 37 किलोग्राम होता है, जबकि इसरो का रोवर का खुद का वेट 26 किलोग्राम था। सो मून पर एक्टिवली रिसर्च करने वाला प्रज्ञान रोवर में RTG फिट करना पॉसिबल ही नहीं। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के पहले ही अपना ऑब्जेक्टिव को लिस्ट डाउन किया है। चंद्रयान 3 मिशन में उन्होंने सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव को अचीव करना था। उन 3 में से पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करना, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव था प्रज्ञान रोवर को कैपेबिलिटीज डेमोंस्ट्रेट करना। और थर्ड ऑब्जेक्टिव था मून के साउथ पोल पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना, जो कि 100% हो चुका है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये कह सकता है कि चंद्रयान 3 को दूसरा लूनर डे यानी कि नेक्स्ट लूनर डे के लिए प्रोग्राम ही नहीं किया था। सो हम कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन 100% था, क्योंकि मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंड करना ही हमारा सबसे बड़ा सक्सेस था। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू।